अच्छा तो मुझे बताओ कि कश्मीर से जब आप दिल्ली आए तो कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर? डिफरेंस तो बहुत दिख रहा है। तो चलिए आप हमारे साथ फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली की सबसे फेमस जामिया मस्जिद की आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं और आसपास आप ये भी देख रहे हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आए हैं और हर मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं, बल्कि मस्जिद में ही नहीं आते क्योंकि मस्जिद के सामने जिस तरह से मीना बाजार है उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पर इससे पहले हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जब भी आप जम्मू कश्मीर से बाहर निकलते हैं तो यकीनन वहां के लोग आपको मिल ही जाते हैं। और जिस तरह से मैं जामिया मस्जिद में थी और मुझे कुछ कश्मीर के जो होते हैं वो भी अपने भाई मिले। इमरान इसका नाम है। इमरान वैसे कहाँ से हो, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर में कहाँ से? श्रीनगर। अच्छा तो मुझे बताओ दिल्ली में कब से हुआ? मुझे 4 दिन हो गए यहाँ पे। अच्छा 4 दिन हो गए। अच्छा तो दिल्ली में अभी तक कहाँ कहाँ घूमे हो? हाँ बस मैं खाली वो लाल किला गया हूँ और जामा मस्जिद गया हूँ और कहीं नहीं गया। अच्छा तो मुझे बताओ कि कश्मीर से जब आप दिल्ली आए तो कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर? डिफरेंस तो बहुत दिख रहा है। अपनापन मिल रहा है यहाँ पर या अपने पन की कमी है? नहीं नहीं, यहाँ जब हम ये इस जामा मस्जिद के आसपास रहते हैं हाँ? तो हमें बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं और वैसी बात नहीं है, कोई हिंदू भाई भी हो कोई क्रिश्चियन हाँ? भाई भी हो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे कम्फर्ट दिखता है खुद को। अच्छा? हम कम्फर्ट फील अच्छा? करते हैं। तो आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो कश्मीर के? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो ज्यादा कश्मीरी मिलेंगे आप। अच्छा तो चलिए इमरान हमारे साथ है जो श्रीनगर से हैं जो हमें दिल्ली में मिले हैं, तो इसके बाद इनके कुछ और भी दोस्त हैं जो लाल घूम रहे हैं। तो इमरान आप एंजॉय करिए और जिसके बाद हम दर्शकों को और भी तस्वीरें दिखाएंगे और इसके बाद हम आपको मीना बाजार की तस्वीरें दिखाते हैं जो बिल्कुल अपोजिट है, सामने है, और कहीं ना कहीं बाकी लोगों से भी इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे और बताएंगे कि उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस है यहाँ पर। तो ये मीना बाजार की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि आपको हर चीज मिलेगी यहाँ पर। परफ्यूम भी आपको नेचुरल मिलेंगे जिसको इत्र बोलते हैं, खाने के लिए भी मिलेगा और आपको बाकी चीजें भी मिलेंगी, बिरयानी मिलेगी और देखिए बोलते हैं। हाँ जी तो अंकल आप कश्मीर वालों और जम्मू वालों को क्या मैसेज देंगे? अंकल जी कोई मैसेज दे दो उनको। मैसेज दे दो कबाब टिक्की खिलाओ उनको। तो कश्मीर वालों को और जम्मू वालों को बुलाया जा रहा है कबाब टिक्की खाने के लिए, अगर किसी को आना है तो आप आ सकते हैं। बिरयानी है भैया, इस बिरयानी में क्या खास है? इस बिरयानी में आपके लिए स्पेशल मीट है। कौन सा मीट है? इसमें आपका नमकीन मीट होगा। वो किसका होता है? वो आप लोग बकरी का। और किसी को अगर बर्तनों का शौक है तो आप दिल्ली में आके बर्तन भी ले सकते हैं और बड़ा कुछ है यहाँ पर जो हाथ से बनाया जाता है। ये हाथ का काम है, सारा हाथ का काम है। हाँ यहाँ सारा हाथ का कमाल है, हाथ का कमाल है। और देखो किस तरह से यहाँ पर तमाम जो आपके लिए ड्रेस, हाँ इतने खतरनाक ड्रेस जो पहनेगा वो तो बेहोश हो जाएगा, चलेगा कैसे? ये पहनते हैं, बैग वैग भी है। आपको हर चीज यहाँ पर मिलेगी क्योंकि मीना बाजार जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है सस्ती शॉपिंग के लिए। तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, मतलब ए से लेके आपको एस तक तो मिल ही जाएगा, जेड तक ना भी मिले। तो पानी की बिस्लरी बॉटल्स है यहाँ पर, आपको तमाम चीजें मिल सकती हैं। तो आप आइए यहाँ पर, जिसको कुछ चाहिए होगा अगर तो यहाँ पर देखिए, जिनके चार्जर गुम हो गया वो भी यहाँ पर आ सकता है। बच्चों के कपड़े यहाँ पर है, पीने का पानी यहाँ पर है और लोग जितने हैं वो काफी खुशी से यहाँ पर आ रहे हैं कि उनको शॉपिंग करनी है यहाँ पर। और देखिए मुस्कुराते हुए चेहरे, 300, 250, 100 रुपया, 50 रुपया, जितना भी सामान आपको चाहिए मीना बाजार में आ जाइए, आपको तमाम चीजें मिलेंगी। सर्दी की मिलेंगी, गर्मी की मिलेंगी और बिन मौसम भी मिलेंगी आपको। शूज यहाँ पर मिलेंगे, कपड़े यहाँ पर मिलेंगे आपको, बैटरी चार्जर मिलेंगे और 100 रुपए के 3 परफ्यूम भी मिलेंगे आपको। आज जो तस्वीरें दिखाई थी वो हमने दिखाई आपको जामिया मस्जिद को, और इसी के साथ हमने आपको ये भी बताया कि मीना बाजार में क्या कुछ चीजें मिली। इसके बाद हम आपको जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। अभी के लिए इतना, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।